hello everyone welcome to the channel macro receptor in this video we are going to discuss about nodal analysis all right what is nodal analysis basically it is a branch current method for determining the voltage between the nodes of the electrical circuit all right when we have a complex circuit in which too many branches are connected all right then we have to solve it

टू ब्रांचेस विल मीट मीन्स की आपके पास जो करंट सोर्सेज होते हैं ब्रांचेज का मतलब क्या है कि आपके पास डिफरेंट करंट सोर्सेज होने चाहिए ऑल राइट right? अगर हमारे पास डिफरेंट करंट सोर्सेज जो कि कितनी हो मोर देन टू वो एक जंक्शन पे आके मीट कर रही है देन दैट जंक्शन इज कॉल्ड नोड राइट तो हमें क्या करना है इस मेथड में डिफरेंट नोड्स पे वोल्टेज फाइंड आउट करनी है alright? और जिस नोड वोल्टेज के थ्रू आप हर ब्रांच के इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड आउट कर सकते हो इस तरह से हम एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंपल सर्किट की तरह और यू कैन से कि सिंपल मेथड की तरह हम आप उसको सॉल्व कर सकते हैं alright? तो इसमें हमारे पास जो स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं फर्स्ट स्टेप हमारे पास है फाइंड आउट द नंबर ऑफ नोड्स इन द सर्किट और एंड सेकेंड हमारे पास है टेक वन नोड एट रेफरेंस वोल्टेज जितने भी नंबर ऑफ नोड्स हैं उसमें हमारे पास एक नोड जो है हमें उसको रेफरेंस वोल्टेज पे लेना पड़ेगा रेफरेंस वोल्टेज क्या होती है वी रेफरेंस दैट इज इक्वल टू जीरो मतलब उस पॉइंट को हमें रेफरेंस वोल्टेज दैट मीन्स जीरो वोल्टेज पे कंसिडर करना है उसके विद रिस्पेक्ट टू आपको हर नोड की वोल्टेज जो है वो फाइंड आउट करनी है राइट तो जो वो आप वोल्टेज फाइंड आउट करोगे वो हम किसके करेंगे यहाँ पे KCL. What is KCL? Current law. Alright, तो current law क्या है आपको पता है किसी भी जंक्शन पे अगर मोर देन टू करंट सोर्सेज आके मीट करते हैं तो हमारे पास उनके सबका करंट का सम जो होता है दैट इज इक्वल टू जीरो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या है कि KCL के के थ्रू हम नोड्स की जो वोल्टेज है वो फाइंड आउट करेंगे और जो उसके बाद हम नोड वोल्टेजेस के थ्रू हर ब्रांच के करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं और राइट दीज वर द स्टेप्स विच आर यूज इन द नोडल एनालिसिस टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स सर्किट और राइट तो हमारे पास यहाँ पे हम एक तो पहले कुछ बेसिक्स Uh, यहाँ पे करंट सोर्सेस जो होंगे उसमें आप के कैसे अप्लाई करोगे वो मैं आपको यहाँ पे कुछ uh, जो है वो स्टेप्स uh, बताने जा रही हूँ फर्स्ट हमारे पास ये हो सकता है कि अगर कोई भी एक ब्रांच हो जिसमें आपके पास दो पॉइंट्स के बीच में एक करंट सोर्स जो है वो अटैच हो तो और राइट तो करंट सोर्स ए और बी के बीच में आपके पास या तो इस डायरेक्शन में होगा या इसके ओपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है ठीक है तो इसमें तो सिंपली करंट दे रखा है तो जिस डायरेक्शन में होगा अगर तो वो जंक्शन के टुवर्ड्स होगा तो आपके पास वो पॉजिटिव आ जाएगा और अगर वो ओपोजिट होगा तो वो माइनस आ जाएगा मीन डिपेंड्स ऑन अदर करंट्स ऑलराइट तो यहाँ पे तो पे डायरेक्ट आपको एक करंट सोर्स की डायरेक्शन बता रखी होगी नेक्स्ट आपके पास कोई वोल्टेज सोर्स हो सकता है जैसे हमारे पास यहाँ पे है अब ये ए और बी दो पॉइंट ले रही हूँ मैं दो पॉइंट्स के बीच में एक हमारे पास है रेजिस्टेंस कनेक्टेड जिसके अक्रॉस जो है वो वोल्टेज ड्रॉप होगा

R R R V तो तो ये रहा अगर हमें IAB find out करना है मतलब इसकी डायरेक्शन इस से जो मैंने arrow यहां पे रिप्रेजेंट करा है बट अगर आपको B A फाइंड आउट करना है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अगर I B फाइंड B A फाइंड आउट करना है देन यू हैव टू अप्लाई द minus बी A डिवाइडेड by R राइट right? तो ये तो है अगर आपके पास कोई रेजिस्टेंस पे टू टर्मिनल्स में प्रोवाइड कर रखा है थर्ड था, हमारे पास क्या है कि अगर यहाँ पे मान लो कोई पोटेंशियल सोर्स भी आपको प्रोवाइड कर रखा है तो सपोज ये हमारे पास है टेन बोल्ट और राइट right? एक आपके पास पोटेंशियल सोर्स यहाँ पे टेन बोल्ट का लगा रखा है बिटवीन द ए एंड बी टर्मिनल Alright, तो ए एंड बी टर्मिनल में पोटेंशियल सोर्स है तो इस सोर्स को आप कैसे यहां पे सॉल्व करोगे तो ये होगा आपके पास देखो ये डिफरेंस तो होगा ही दो पॉइंट्स का दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स बी ए माइनस बी बी और अगर आप इस डायरेक्शन में करंट फाइंड आउट कर रहे हो राइट मतलब अगर आप ए से बी की तरफ जा रहे हो दैट मींस आपके पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आप जा रहे हो आपका जो करंट सोर्स है फ्रॉम ए टू बी इट विल गोइंग टू फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल तो हमारा नेगेटिव टर्मिनल जो है वो जो आपके पास जो है वो एंड है उसका आई मीन टू से अगर आप मूव कर रहे हो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव तो आप वहां पे उसके पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट करोगे राइट देन इट विल गिव राइज टू माइनस टेन राइट अगर आपका जो करंट uh, है दैट इज गोइंग फ्रॉम बी टू ए पॉइंट राइट अगर ये इस तरह से होगा बी टू देन इट विल गो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव देन यू हैव टू एड द पोटेंशियल तो यहाँ पे क्या रहेगा अगर आप बी बी माइनस वी ए ये क्या बनेगा क्योंकि आप जा रहे हो फ्रॉम बी टू ए तो ये क्या बनेगा वी बी माइनस वी ए और आपका ये जो टर्मिनल है वो कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव तो आपके पास यहाँ पे ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा एडअप हो जाएगा राइट तो right? so, ये कुछ मेथड से जिसके थ्रू आप इसमें किरचॉर्स करंट लॉ जो है वो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो नाउ अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल uh, लेके चलेंगे दैट इज़ द एग्ज़ाम्पल अब इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम जितने भी स्टेप्स है यहाँ पे अप्लाई करेंगे सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है फाइंड आउट द नंबर ऑफ नोड्स अब नोड्स क्या होती हैं जहां पे दो या सॉरी दो से ज्यादा जो ब्रांचेज हैं वो कनेक्ट हो रही हैं मीट कर रही हैं right? तो इस सर्किट में हम नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट करेंगे ये हमारे पास नोड नहीं हो सकता पॉइंट क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो ब्रांचेज मीट कर रही हैं और राइट ये ट्वेल्व एम्पियर करंट सोर्स है और यहाँ पे फोर होम यहाँ से जी जो भी करंट जो है वो जनरेट uh, होगा तो ये हमारे पास एक दो पॉइंट का जंक्शन है तो ये एक आपके पास नोड नहीं हो सकता नेक्स्ट अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैं मान लेती हूं ए पॉइंट राइट तो ए पॉइंट जो है वो आपका नोड हो सकता है बिकॉज देर विल बी द जंक्शन ऑफ थ्री ब्रांचेस

नोड हो सकता है और यहाँ पे ये पॉइंट भी नोड हो सकता है बट इन दोनों में से हम एक ही पॉइंट को नोड चूज करेंगे बिकॉज अगर हम इन दो पॉइंट्स को मीट करें और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो दोनों पॉइंट्स है वो कनेक्टेड हैं। बट इन दोनों के बीच में कोई भी आपके पास करंट सोर्स कनेक्टेड नहीं है जो पोटेंशियल यहाँ इस पॉइंट पे होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा वहां पे कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप का जो सोर्स है वो नहीं प्रेजेंट है तो दैट मीन्स ये दोनों पॉइंट्स जो होंगे वो सेम पोटेंशियल पे होंगे तो इन दोनों पॉइंट्स uh, का जो एक कॉमन पॉइंट लूंगी मैं ठीक है तो दैट विल गिव राइज टू ए अनदर नोड तो हमारे पास यहाँ पे कनेक्शन जो पूरे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितने नोड्स होंगे हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू थ्री और राइट अब हम सबसे पहला स्टेप हम कंप्लीट कर चुके हैं नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पॉइंट टेक वन नोड एट द रेफरेंस वोल्टेज तो उसमें से एक पॉइंट जो है वो हम रेफरेंस वोल्टेज पे मानेंगे अब रेफरेंस वोल्टेज पे हमेशा ही चूज करो कि आप एक बॉटम पॉइंट जो है वो रेफरेंस वोल्टेज पे मानो और राइट रेफरेंस वोल्टेज मीन्स उस पॉइंट uh, की जो वोल्टेज है वो हम कहाँ मानेंगे एट जीरो वोल्ट ऑल्ट राइट तो ये हमारे पास क्या रहेगा जीरो वोल्ट पे तो जो हमारे पास थर्ड नोट था सी पॉइंट उसको हमने रेफरेंस वोल्टेज पे बिथ स्टैंड कराट राइट नाउ नेक्स्ट वन इज अप्लाई द ऑफ करंट लॉ एट द नोड्स अदर देन द रेफरेंस नोड तो अदर नोड वी हैव टू नोट ए एंड बी नाउ वी पॉइंट At point A and at point B, right? तो तो पे अगर हम जो है वो करते हैं, तो क्या बनेगा देखो? मैं पहले इसको थोड़ा सेपरेट कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो तो यहाँ पे आप अप्लाई करो एट नोड ए पे तो हमारे पास देखो ये क्या बनेगा Uh, देखो अब सबसे पहले किच करंट लॉ जब आप अप्लाई कर रहे हो जिस जंक्शन पे तो उस जंक्शन से पहले तो ये एज्यूम करके चलना है कि जितने भी करंट वहाँ से जो ओरिजिनेट हो रहे हैं उसकी डायरेक्शन मतलब उस पॉइंट से वो करंट जो है वो जनरेट हो रहे हैं दैट मींस ओरिजिनेट हो रहे हैं दैट मींस कि करंट की डायरेक्शन जो होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी एक्सेप्ट अगर वहाँ पे किसी ब्रांच में एक करंट सोर्स दिया हो राइट right? तो यहाँ पे आप V A पॉइंट पे देख सकते हो वहां पे मैंने पोटेंशियल माना है V1 और B पॉइंट पे मैंने पोटेंशियल माना है V2 टू राइट right? तो हमें फाइंड आउट करना है V1 वन एंड V2 टू दीज आर द नोड वोल्टेज राइट तो यहाँ पे देख आप A नोड पे देख सकते हो जो हमारे थ्री ब्रांचेज हैं थ्री ब्रांचेज में से एक ब्रांच पे हमारे पास ऑलरेडी करंट सोर्स दे रखा है

हमारे पास सम रहेगा अगर मैं सपोज यहाँ पे तीन करंट्स का सम मानती हूँ आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इक्वल टू जीरो क्योंकि हमारे पास जंक्शन पॉइंट पे जितने भी करंट सोर्सेज हैं उनका सम क्या रहेगा जीरो रहेगा राइट तो यहाँ पे सबसे पहला करंट मैं कंसिडर करती हूँ फ्रॉम ए टू बी पॉइंट तो ए पॉइंट पे हमारे पास uh, जो इस ब्रांच को मैं कंसिडर करी सबसे पहले इस कर, ब्रांच में मैं कंसिडर कर हूँ आई वन और इस ब्रांच में मैं आई टू कंसिडर करती हूँ और इस ब्रांच में मैं आई थ्री कंसिडर करती हूँ तो हमारे पास लॉ के अकॉर्डिंग तो यही है आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री शुड बी इक्वल टू जीरो अब यहाँ पे हम इसकी डायरेक्शन भी कंसिडर करेंगे आगे कि इसकी डायरेक्शन क्या है करंट्स की सबसे पहले आई वन की बात करते हैं तो आई वन हमारे पास किसके इक्वल होगा वी वन दिस इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑलराइट तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास ए पॉइंट से जो ओरिजिनेट हो रहा है दैट इज और इसके नेक्स्ट एंड पॉइंट क्या है दैट इज एट द पोटेंशियल तो दैट इज इक्वल टू अब इस ब्रांच में एक हमारे पास पोटेंशियल सोर्स और कनेक्टेड है दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी बोल्ट अब हमारी जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरफ है राइट एंड वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी जब आप ए से बी की तरफ जा रहे हो देन यू आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल टर्मिनल देन यू हैव टू सब्ट्रेक्ट यूर वोल्टेज राइट तो हमारे पास यहाँ पे ट्वेंटी वोल्टेज वहां से क्या हो जाएंगे डिवाइडेड बाई रच में दैट इज इक्वल टू फाइव राइट नाव अब आई टू करंट की बात करते हैं आई टू करंट किसकी इक्वल होगा वी वन जो है वो एट पॉइंट ए है पोटेंशियल दैट इज वी वन माइनस जो लोअर एंड पे पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू जीरो रेफरेंस वोल्टेज मान के चले हैं तो V1 वन माइनस जीरो डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है टेन नेक्स्ट करंट हमारे पास कितना है I3 थ्री करंट को हम अब भी कंसिडर करते हैं तो I3 थ्री इज ऑलरेडी गिवन वो कितना है हमारे पास 12 एम्पियर बट इसकी डायरेक्शन जो है वो ओपोजिट है तो हम इसको माइनस ट्वेल्व जो है वो इक्वल टू कंसिडर करेंगे दैट इज इक्वल टू जीरो राइट नाउ वी कैन सॉल्व इट बट उससे पहले मैं यहाँ पे uh, एक अनदर जो है वो के सी एल अप्लाई करना चाहती हूँ एट नोड बी नाउ एट नोड बी नोड बी पे हमारे पास क्या होगा यू कैन अप्लाई अब हम यहाँ पे uh, फिर से तीन करेंट्स मानेंगे क्योंकि तीन सोर्सेज हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास रहेगा आई वन और राइट ये हमारे पास रहेगा आई टू और ये थर्ड सोर्स जो रहेगा वो आई थ्री रहेगा अब ऐसे ही हमारे पास क्या होगा आई वन प्लस की आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो I1 की वैल्यू क्या होगी इट इज गोइंग फ्रॉम बी टू ए राइट तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको आपको हमेशा नोड से करंट को ओरिजिनेट करना है दैट इज डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द नोड हमें ये एज्यूम करके चलना है तो हमारे पास करंट uh, यहाँ पे करंट किसके इक्वल होगा आई वन दी टू एजनस वी वन डिवाइडेड बाय फाइव अब उससे पहले एक यहाँ पे और पोटेंशियल कनेक्टेड है इस ब्रांच में टू ट्वेंटी अब आप कहां से कहाँ जा रहे हो फ्रॉम बी टू एंड वेन यू आर गोइंग इन डायरेक्शन फ्रॉम बी टू देयर विल बी साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव नाउर पॉजिटिटिव आई टू आई टू जो है वो यहाँ पे जो नीचे की तरफ ब्रांच जा रही है ये हमारे पास कितना रहेगा वी पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल कितना है वी टू माइनस इसका लोअर एंड क्या है अब लोअर एंड पे तो जीरो ही है हम उसको कंसिडर करें ना करें ठीक है बट उसके ब्रांच में एक और हमारे पास पोटेंशियल प्रेजेंट है दैट इज 15 वोल्ट अब हमारा जो करंट है दिस इज गोइंग फ्रॉम बी टू लोअर पॉइंट अब इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट जो है वो जा रहा है तो आप कहां से कहां जा रहे हो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव अब नेगेटिव पॉइंट आ रहा है तो आपको यहां पे पोटेंशियल क्या करना है सब करना है तो V2 टू माइनस फिफ्टीन डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है यहां पे इस ब्रांच में फाइव राइट नाउ प्लस अब यहां पे थर्ड सोर्स क्या है थर्ड सोर्स हमारे पास ये आई थ्री दैट इज अब यहाँ पे पोटेंशियल कितना है बी पॉइंट पे वी टू माइनस अब इस ब्रांच में भी हमारे पास ऑलरेडी पोटेंशियल कनेक्टेड है दैट इज द टेन बोल्ट अब यहां पे थोड़ा साइन ऑपोजिट हो जाएगा क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में करंट जो है वो जा रहा है वो जा रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव देन यू हैव टू एड टेन बोल्ट इन योर

कैलकुलेट कर सकते हो राइट right? तो यहाँ पे जैसे अभी मैं सॉल्व करती हूँ क्वेश्चन तो इक्वेशन सॉल्व करके हमारे पास मैं इस क्वेश्चन को नाम दे देती हूँ दिस इज द इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन टू अब मैं फर्स्ट इक्वेशन को अगर एल्सियम के थ्रू सॉल्व करती हूँ दिस इज इक्वल टू हमारे पास ये क्या बनेगी पॉइंट थ्री मैं यहाँ पे सॉल्यूशन इसका थोड़ी सी कैलकुलेशन को रिड्यूस कर रही हूँ ये हमारे पास कैलकुलेशन जो है वो रिड्यूस होकर क्या बनेगी माइनस थ्री सॉरी पॉइंट थ्री वी वन माइनस जीरो पॉइंट टू वी टू दैट इज इक्वल टू सॉरी पॉइंट टू वी टू इज इक्वल टू हमारे पास ये बनेगा सिक्सटीन राइट right? और नेक्स्ट हमारे पास ये जो टू इक्वेशन है ये सॉल्व होके हमारे पास क्या बनेगी थ्री वी टू थ्री वी टू माइनस वी वन दैट इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन right तो हमारे पास यहाँ पे ये दो आ चुकी हैं इसको आप किसी भी एक बेसिक से कर सकते हो by elimination method और by substitution method. तो इस इक्वेश के थ्रू आप V1 और V2 की value जो है वो find out कर सकते हो राइट अब इन दोनों को सॉल्व करो आपके पास वी वन और वी टू की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी और वी वन एंड बी टू क्या है नोड वोल्टेजेस और राइट तो यहाँ पे जैसे आपको V1 और V2 की वैल्यू मिलेगी तो उसके थ्रू आप ब्रांच करंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो जैसे कि सपोज अब यहाँ पे आपको टेन ओम के अक्रॉस कौन सा करंट हमने यहाँ पे करा था I2 आपको A नोड पे A नोड पे I2 फाइंड आउट करना है

5 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है दैट इज i3 और वो कौन सी नोड पे है बी नोड पे बी नोड पे i3 करंट हमारे पास ये किसके इक्वल था uh, ये हमारे पास रहा i3 तो ये रहेगा v2 plus 10 divided by 5 और right? तो यहाँ पे आप v2 की वैल्यू पुट करके आप अपने i3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो और कौन से नोड पे है ये एट नोड B। ऑलराइट right? तो इस तरह से आप डिफरेंट ब्रांच करंट्स को सॉल्व कर सकते हो बाय Calculating the node voltages. Alright, so that was all about the nodal analysis. If you like the video, then please like my video, uh, subscribe my channel, and share this video with your friends also. And please subscribe my channel. Thank you so much for watching my video.